राजस्थान में वसुंधरा सरकार सरकारी स्कूलों में पोषाहार योजना को लेकर लाख दावे करती हो, लेकिन ये सारे दावे जमीनी स्तर पर फेल होते नजर आ रहे हैं। स्कूलों में मिलने वाले पोषाहार योजना की प्रशासनिक अधिकारियों ने इस कदर धज्जियां उड़ाई हैं कि बच्चों को बेहतर खाना मांगने की भी कीमत चुकानी पड़ रही है। ऐसा ही ताजा मामला राजस्थान में दौसा जिले से सामने आया है। दरअसल मामला जिले के बांदीकुई में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल का है, जहां मिड डे मील के खाने में छात्रों ने रोटी मांगी तो प्रिंसिपल ने बच्चों को मुर्गा बनाकर डंडों से बेरहमी से पिटाई कर दी। इससे छात्रों को गंभीर रूप से चोटें आई हैं, जिसमें 7 छात्रों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से लिखित शिकायत की है। छात्रों ने बताया कि उन्हें स्कूल में पोषाहार में सिर्फ दाल दी गई, बच्चों ने रोटी मांगी तो उन्हें रोटी नहीं दी गई। इस पर बच्चों ने शिकायत गांव के सरपंच से कर दी। इससे प्रधानाध्यापक कैलाश गुप्ता नाराज हो गए और उन्होंने बच्चों को रोजाना डराना और धमकाना शुरू कर दिया, जिसके बाद बच्चों ने परिजनों से ये बात बताई तो प्रिंसिपल ने बच्चों को मुर्गा बनाकर डंडे से बेरहमी से पिटाई की, जिससे उनके हाथ पैरों पर कई जगह गंभीर चोटें आई हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर क्यों वसुंधरा राजे सरकार इस तरह के टीचर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज़।